का ही एक प्रोफेसर कॉमर्स वाले फिजिक्स वाले ने कॉमर्स वाले स्ट्रीम भी चालू किया और वहाँ पे कॉमर्स वाले की बेइज्जती किया। मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या कहा कॉमर्स वाले के। ये है, ये उनका एक प्रोफेसर है, ये उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम की बेइज्जती की और साइंस पढ़ाते समय उन्होंने पता है क्या कहा कि कॉमर्स आर्ट्स वाले को थप्पड़ मारा करो। कॉमर्स वाले क्या है, कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख कर मैं मैंने एक जस्ट रिसेंटली मैं YouTube को स्क्रॉल कर रहा था तो वहां पर मैंने PW कंपनी, पता है आपको PW कंपनी क्या, कौन सी कंपनी, फिजिक्स वाला मैं अलग पांडे करके है जिन्होंने फिजिक्स वाला जिसको हम लोग कहते हैं उन्होंने कंपनी बनाई फिजिक्स वाला और आपने देखा बहुत ट्रेंड कर रहा है फिजिक्स वाला, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने इनरोल किया ऑनलाइन क्लासेस और रीजनेबल फीस में। तो फिजिक्स वाला ने एक कमेंट किया, कमेंट ये था कॉमर्स वाले को लेके, देखो आपको मैं सुनाता हूँ कि फिजिक्स वाले ने क्या कमेंट किया था। मेरे को कॉमर्स के बारे में ज्यादा नहीं, बस मेरे को इतना पता है कॉमर्स वाले मचाते बहुत, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कॉमर्स से बहुत बचाया है और यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स खड़े हैं जिन्होंने बहुत बचाया है। हमारी PW कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी इस PW फैमिली के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कॉमर्स से आए और जो बहुत टॉप पोस्ट पे और बहुत मचा रहे हैं PW के अंदर। एक तरफ इन्होंने कहा अलग पांडे ने कि कॉमर्स वाले मचाते बहुत है, मतलब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन्होंने साइंस कॉमर्स को थोड़ा मतलब बोलते ना एक लो लेवल पे लो ग्रेड पे समझा और गलत वर्ड यूज किया कि मचाते बहुत है और अपने कॉमर्स की फैकल्टी के बारे में बहुत अच्छा बताया कि हमारा कॉमर्स की फैकल्टी भी अच्छी है और इस तरफ कह रहे कि वो मचाते बहुत है। तो उनका ही एक प्रोफेसर कॉमर्स वाले फिजिक्स वाले ने कॉमर्स वाला स्ट्रीम भी चालू किया और वहाँ पे कॉमर्स वाले की बेइज्जती किया। मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या कहा कॉमर्स वाले के। ये है, ये उनका एक प्रोफेसर है, ये उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम की बेइज्जती की और साइंस पढ़ाते समय उन्होंने पता है क्या कहा कि कॉमर्स आर्ट्स वाले को थप्पड़ मारा करो। कॉमर्स वाले क्या है, कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख कर मैं उनका कहना है कि कॉमर्स वाले क्या है, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले को थप्पड़ मारो, तो वो साइंस को पढ़ा रहे तो उनको ये सब मतलब एक किसी भी स्ट्रीम को लोअर बोलना, इंसल्ट करना, ये कितनी बड़ी बेइज्जती है कि उनको आप थप्पड़ मारोगे। तो मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट को टीच करता हूँ और ऐसा नहीं है कि साइंस स्टूडेंट बहुत ऊपर जाते, कॉमर्स के स्टूडेंट भी पढ़ के बहुत ऊपर गए हैं, ठीक है। तो फिजिक्स वाले को ये अपने वर्ड्स वापस लेना चाहिए, ऐसा जो इंसल्ट किया कॉमर्स स्टूडेंट को। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और आपको अगर बुरा लगा होगा ये रील्स देखकर तो आप जितना हो सके ना इनके वीडियो को डिसलाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कॉमर्स पढ़ना ना सबके बस की बात नहीं है। आप साइंस ना पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं से आप साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन कॉमर्स ना आप पांचवी छठी में नहीं पढ़ते हो। क्यों? कॉमर्स इतना डिफिकल्ट है ना कि जब आप दसवीं के बाद से कॉमर्स आता है सबके बस की बात नहीं है कॉमर्स समझना, कॉमर्स पढ़ना, क्योंकि जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हो ना तब आप कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, साइंस तो बचपन से स्टार्ट कर देते हो पढ़ना। आप कैसे कह सकते हो कि कॉमर्स इजी है, कॉमर्स आसान है? और देश को चलाने के लिए मैं बता दूं आपको कि कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना तो साइंस कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स पढ़ने के लिए देश का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम जो होता है ना वो UPSC IAS IPS वो आर्ट्स से पढ़ के आता है और आप साइंस की बड़ा कॉमर्स और आर्ट्स की बुराई कर रहे हो। तो ये बहुत बुरा वर्ड लगा फिजिक्स वाले के जो प्रोफेसर ने कॉमर्स की बुराई की, एक तरफ वो कॉमर्स क्लास भी चला रहे और उसकी बुराई भी कर रहे। तो जितना अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो जितना हो सके आप वीडियो को क्या करो डिसलाइक मारो ताकि उनको अपना वर्ड्स क्या करना पड़े वापस लेना पड़े। क्योंकि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो ना तो साइंस वाले को ऐसा भड़काना कि आप उनको थप्पड़ मारो ये बहुत बुरा लगता है। ऐसा मैं कॉमर्स टीचर भी मुझे बहुत बुरा लगा। जितना हो सके आपके अंदर भी आपने भी अगर वीडियो आप देखोगे तो आपका भी खून क्या होगा, खौलने लगेगा कि कॉमर्स स्टूडेंट को होकर इंसल्ट किया गया। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अब आप डिसाइड करो कि आपको अच्छा लगा ऐसा उसका स्टेटमेंट या बुरा लगा। बुरा लगा होगा तो आपको पता है क्या करना है और अच्छा लगा तो भी आपको पता है क्या करना है।